हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज चौरसिया और आप देख रहे हैं पिकेटेक वीडियो। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अपने लैपटॉप को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना, तो मात्र आप एक सेकंड में एक क्लिक पे ही ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक सेटिंग करनी होगी जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको विंडो प्रेस करके सर्च करना है COLOR कलर फिल्टर। जैसे ये क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे यूज कलर फिल्टर पे जाकर ये टर्न ऑन कलर फिल्टर जो लिखा है इसको ऑन कर देंगे, टर्न ऑन। और यहाँ पे देखेंगे जैसे बहुत सारी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे इन्वर्टरमेंट करेंगे तो आपको ऐसा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ये ग्रे स्केल में है तो मतलब ब्लैक एंड वाइट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे है रेड ग्रीन, इसमें ग्रीन वीक है, जैसे इसमें ग्रीन कलर होगा जहाँ पे वो थोड़ा डल हो जाएगा, इसमें रेड ग्रीन रेड इसमें वीक हो जाएगा। रेड मतलब जहाँ पे रेड कलर, जैसे ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे रेड कलर है, उतने थोड़ा सा लाइट हो जाएगा रेड कलर। इस अपने हिसाब से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट में आपको अगर करना है तो ग्रे स्केल पे क्लिक कर दीजिए, और ये अगर टिक न लगा हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके टिक लगा दीजिए, ताकि इससे आप शॉर्टकट के तरीके से भी डायरेक्ट शॉर्टकट से आप ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट करने के लिए शॉर्टकट से विंडो प्लस कंट्रोल प्लस सी जैसे प्रेस करेंगे, या अगर ये ऑन रहता है जैसे प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट होगा, फिर एक बार और प्रेस करेंगे तो कलर में आ जाएगा। जैसे अभी मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, कंट्रोल विंडो सी, ये कलर में हो गया, फिर से क्लिक करूँगा मैं ब्लैक एंड वाइट में हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपने लैपटॉप को कलर से ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट से कलर में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कर दें, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।